नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीडीए दिल्ली ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर समेत कई पदों के लिए निकाली रिक्तियां। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में जूनियर सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर समेत अन्य पदों के लिए 629 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमटेक, पीएचडी या फिर ग्रेजुएशन या बीई या एमटेक या एमएससी की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 अप्रैल तक dda.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे निगरानी के दिए आदेश। कोरोना से अधिक लोगों के बीच ना फैले, इसके लिए 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होने वाले बंद का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। साथ ही इसे सफल बनाने के लिए हर संभव उपाय करने की अपील राज्यों से की गई है। अगर कोरोना के चेन को रोक दिया गया तो इसके फैलने को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बंद के बाद भी कुछ प्रमुख सेवाएं रहेंगी जारी। आज पूरे भारत में कोरोना को देखते हुए किए गए बंद के बावजूद सरकार ने कुछ अहम सेवाओं को जारी रखने का ऐलान किया है, जिसके तहत जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया है कि 22 मार्च को होने वाले बंद के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग, परिवहन सेवाएं, बिजली जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है, ताकि वह भी जरूरी सेवाओं को मुहैया करवाने में आम नागरिकों की मदद कर सके। नियोजित शिक्षकों को अब किया जाएगा सर्वे। नियोजित शिक्षकों का अब किया जाएगा सर्वे। सरकार अब सभी नियोजित शिक्षकों पर सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों का अब सर्वे करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार अब यह भी जानकारी जुटाएगी कि नियोजित शिक्षक अपने स्कूल में ठीक से पढ़ा भी रहे थे या नहीं। इसके साथ ही अब सरकार सभी छात्रों के अभिभावकों से भी इस मुद्दे पर बात करेगी। उसके बाद इनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक बीते कई दिनों से अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। मधेपुरा के दखिनी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधेपुरा के दखिनी स्थान मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या में देखने को मिलती है। यही मंदिर मधेपुरा जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का नाम महिलाओं की सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण बहुत साल पहले करवाया गया था। मंदिर के पंडितों की माने तो इस मंदिर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कोरोना के कारण अब शिक्षकों की बहाली टली। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को टाल दिया गया है। राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, मगर कोरोना के फैलते लक्षण को देखते हुए अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, छठे चरण के नियोजन के तहत 30,000 से अधिक रिक्त पदों पर अंतिम चरण में 27 और 28 मार्च को शिक्षकों की बहाली की जानी थी। कोरोना के नाम पर महंगे मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री पर लगी रोक। कोरोना इस समय में पूरे देश की परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन ऐसे में कई लोग हैं जो कोरोना जैसी स्थिति में भी अपना फायदा देखने में लगे हुए हैं। और यह कारण है कि बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत अचानक से बढ़ा दी गई है, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और अब इन दोनों सामानों की कीमत तय कर दी गई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सैनिटाइजर के दाम को 100 रुपये तय किया है। वहीं मास्क के दाम को 10 से 30 रुपये तक देने का ऐलान किया है। कोरोना से बचाव के लिए आईएमए ने 22 को किया बंद का ऐलान। कोरोना लगातार देश में अपने पैर पसारता जा रहा है, वहीं बिहार सरकार भी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सचेत होकर के चल रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 तारीख को बुलाए गए बंद को लेकर आईएमए और पीएमसीएच ने हाल ही में एक बैठक की थी, जिसके बाद अपना एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत आईएमए ने 22 मार्च को बंद कराने का ऐलान जारी किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर बरौनी रिफाइनरी का हुआ विस्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में बेगूसराय वासियों के लिए एक अहम पहल की है, जिसके तहत उन्होंने IOCL प्रबंधन से बातचीत कर बरौनी रिफाइनरी के पहले चरण में विस्तार के लिए LNT को LAO जारी कर दिया है। इसके तहत अब पहले चरण में कुल मिलाकर 3,384 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी का विस्तार किया जाएगा, जो कि आने वाले 36 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। गया में आज बंद के लिए रेलवे भी है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च को पूरे देश में बंद के आह्वान के बाद भारत के हर राज्य के समर्थन की आवाज आ रही है। इसी क्रम में बिहार के गया जिले में भी 22 मार्च को बंद के ऐलान को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर्स ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया था। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग ने अपने अन्य राज्य को भी कैंसिल करने का ऐलान किया है। जिसके परिणाम स्वरूप सभी पैसेंजर ट्रेन 21 मार्च को 12 बजे रात से लेकर के 22 मार्च 10 बजे रात तक नहीं चलेगी।
अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे गजेंद्र ठाकुर के बारे में। गजेंद्र ठाकुर का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। गजेंद्र ठाकुर एक लेखक इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी से लेकर मैथिली भाषा तक में अपने लेखन का काम दिखाया था। गजेंद्र ठाकुर ने अपने जीवन में कई सारी किताबें लिखी हैं जिसमें 25 प्रबंध, विदेहा, सदेहा समेत कई किताबों के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, गजेंद्र ठाकुर को उनके काम के लिए कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की बातचीत। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इसी क्रम में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत कर बिहार में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। ज्ञात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत मुख्यमंत्री के आवास एक अन्य मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यह कॉन्फ्रेंसिंग करीब 2 घंटे तक चली। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की। कोरोना के चलते चैती छठ मेले का आयोजन हुआ कैंसिल। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए स्कूल से लेकर मंदिरों तक के गेट पर ताला लगा दिया गया है। वहीं इसी क्रम में अब चैती छठ मेले के आयोजन को भी कैंसिल कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फिलहाल बिहार में अभी तक एक भी कोरोना के लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, मगर सरकार फिर भी बचाव के तौर पर सभी चीजों को बंद कर चुकी है। कोरोना को देखते हुए पटना के सभी सरकारी और गैर सरकारी बसों का परिचालन हुआ बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पटना के सभी सरकारी और निजी बसों के परिचालन को बंद कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की माने तो कोरोना फिलहाल बहुत ही तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सरकार ने सभी बसों के परिचालन को बंद कर दिया गया है ताकि तेजी से फैलने वाले इस कोरोना से आम नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग के दिए आदेश। देश भर में अभी कोरोना आम नागरिकों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार वापस लौटने वाले सभी यात्रियों पर सख्ती से पेश आने का फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने सभी अधिकारियों से स्टेशन और हवाई यात्रा से आ रहे सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही स्क्रीनिंग में अगर किसी भी तरीके की कोई ढील देखी गई तो सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाने की बात भी कही है। 27 फरवरी से सड़कों पर बैठे सभी TET शिक्षकों से की गई वापस लौटने की अपील। बिहार सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाकर रखने के लिए अब सभी TET शिक्षकों को सड़कों से उठने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कहा है कि अगर इतनी संख्या में लोग एक साथ रहेंगे तो कोरोना के फैलने के आसार ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभी फिलहाल कुछ समय के लिए सभी TET शिक्षक अपनी इज्जत को छोड़कर लोगों के हित में सोचते हुए सड़कों से उठ जाए। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों से भी कुछ समय के लिए अपनी मांग को खत्म करने का आदेश जारी किया है। मुंबई और पुणे से कोरोना की वजह से वापस लौटने लगे यात्री। कोरोना का असर अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम नागरिक अपने अपने शहर को छोड़कर वापस लौट रहे हैं। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते हुए असर को देखते हुए पुणे और मुंबई से लोग वापस पटना की तरफ आने लगे हैं, जिसके लिए रेलवे विभाग ने लोगों की मदद करने का ऐलान किया है। साथ ही 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की भी शुरुआत की है। कोरोना से बचाव के लिए तेज प्रताप यादव ने दी सलाह। कोरोना वर्तमान समय में पूरे देश की परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी को देखते हुए बिहार में भी सरकार ने बचाव के लिए कई तरह के कदम भी उठाए हैं। इसी बीच अब तेज प्रताप यादव ने भी बिहार के लोगों को कोरोना से बचकर रहने की सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने सभी से घरों में रहने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लोगों को दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार के लोगों को संदेश जारी किया है, जिसके तहत हाल ही में उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना हारेगा बिहारी नहीं। आपको बता दें, कोरोना से अब तक पूरे देश में 256 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से लगभग 5 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 31 मार्च तक जीतन राम मांझी के हम कार्यालय को किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने 31 मार्च तक अपने कार्यालय को बंद करने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देते हुए सभी अधिकारियों को भी दे दी है। जीतन राम मांझी की माने तो कोरोना से इस समय पूरी दुनिया के साथ साथ बिहार के लिए भी एक समस्या का कारण बना हुआ है, ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 31 मार्च तक हम के कार्यालय को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं से जरूरी होने पर ही मिलने या किसी भी तरीके की बैठक में सम्मिलित होने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लालू यादव ने नीतीश कुमार को दी सलाह। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सारी सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत पेशेवर डॉक्टर की एक टीम का गठन करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की भी मांग की है।
अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। ठंड का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर, छपरा में दिन भर धूप निकलने की संभावना है, तो कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार है। वहीं दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के आसार हैं। वहीं बादल छाने के साथ साथ छिटपुट बारिश भी हो सकती है। कप्तान कोहली को लेकर टॉम मूडी ने दिया बड़ा बयान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खेले गए मैच में कप्तान कोहली का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके बाद कप्तान कोहली की आलोचना पूरे क्रिकेट जगत में देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान कोहली की अभी भी वाहवाही हो रही है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी टॉम मूडी ने भारतीय के एक प्रशंसक ने ट्विटर पर एक सवाल पूछते हुए कहा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ के बारे में जानकारी दें, जिसमें विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जो रूट का नाम शामिल था। जिसके जवाब में टॉम मूडी ने कहा कि यह सभी बेहद शानदार बल्लेबाज हैं, मगर विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के सरताज हैं। 22 मार्च को अमिताभ बच्चन ने की सभी लोगों से घर में रहने की अपील। अमिताभ बच्चन ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी लोगों से आज के दिन सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार आज के दिन थाली, ताली और चम्मच भी जरूर बजाएं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन कोरोना से लोगों को बचने के लिए सभी डॉक्टर्स और नर्स का भी धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भगवान का दर्जा भी दिया है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लालू यादव से मिलने पहुंचे विधायकों को भेजा गया वापस। कोरोना के बढ़ते लक्षण को देखते हुए रिम्स के अधिकारियों ने बीते शनिवार को पहुंचे सभी विधायकों को लालू यादव से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी विधायकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। खबरों की माने तो रिम्स प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते हुए असर को लिया था। हालांकि अभी झारखंड में कोरोना की एक भी पॉजिटिव लक्षण नहीं देखने को मिले हैं, मगर फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, सोनू यादव, प्रशांत सिंह, घेवर चंद्र कुमार, रवि कुमार, सूरज यादव, आलोक नाथ, मुस्कान सिंह, मोहम्मद सरफराज आलम, सिमरनजीत कौर, बलवंत सिंह, मोनू राम, राम नारायण सिंह। इसके अलावा हमें और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार और एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा उठाए गए कोरोना को लेकर कदम, क्या भारत को कोरोना से जीत दिलवा पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।